हेलो फ्रेंड्स, प्रीतु डेलीशियस रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एकदम क्रिस्पी और रसीली जलेबी जो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें एक कटोरी मैदा डाल देंगे और 3 से 4 टेबल स्पून हम इसमें चावल का आटा मिक्स करेंगे। इससे क्या है, जलेबी हमारी अच्छी क्रिस्पी बनेगी। और 3 से 4 टेबल स्पून हम इसमें दही डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चावल का आटा नहीं मिक्स करना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने अच्छे से दही को मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर बना लेंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। दीदी की हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर बना लेंगे और इसमें जो लम्स है उन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैटर को। तो ये हमारा बैटर तैयार है और अब हम इसे ढककर रख देंगे। जब तक हम चाशनी बना लेते हैं, तो हमने आधी कटोरी शक्कर ले ली है, उसमें 1 कटोरी हम पानी डाल देंगे और शक्कर को पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी शक्कर पानी में अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें 5 मिनट और इसे उकाल लेंगे। तो हम 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी चाशनी भी तैयार है। थोड़ी चिप चिप कर रही है तो मतलब हमारी चाशनी बनकर तैयार है। तो अब हम इसमें आधा नींबू डाल देंगे और गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसमें घी डाल देंगे, अगर आप तेल डालना चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं। अब हमारा बैटर तैयार है, ये देखिए इस तरह। अब हम इसमें खाने का सोडा डाल देंगे 1/4 चम्मच और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें कलर डाल देंगे, अगर आपके पास कलर नहीं है तो आप इसमें हल्दी डाल दें थोड़ी सी, उससे भी कलर अच्छा आ जाता है। यहाँ मैंने छाछ की थैली ले ली है, अगर आपके पास छाछ की थैली नहीं है, दूध की है, कोई भी थैली, आप उसे इस तरह बैटर को डाल दें और उसमें ऊपर से रबड़ लगा दें और इसे इस तरह काट लें। दीदी की तो हमारा घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जलेबी डाल देंगे इस तरह गोल गोल। दीदी की तो और दोनों साइड से अच्छे लाल कलर आने तक इन्हें अच्छे से तल लेंगे। हमारी जलेबी का कलर चेंज हो चुका है और ये अच्छे से तल चुकी है। अब हम इन्हें निकाल के चाशनी में डाल देंगे। ये बहुत ही जल्दी और फटाफट बनकर तैयार हो जाती है और इसमें ज़्यादा सामान भी नहीं लगता है। हम चाशनी में डाल देंगे और इसी तरह दूसरी जलेबी बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह हाथ को थोड़ा नीचे करके डालना है जिससे हमारी जलेबी गोल गोल आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूले, जिससे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दीदी की हमारी ये जलेबी भी तल चुकी है, इनका कलर भी चेंज हो चुका है, इन्हें भी हम चाशनी में डाल देंगे। चाशनी में हमें सिर्फ 2 सेकंड रखना है, ज़्यादा देर नहीं रखना है। ज़्यादा देर रखने से क्या है ना, हमारी जलेबी चिपचिपी हो जाएगी और हाथ में चिपकेगी। तो हमने दूसरी जलेबी भी डाल दी है और इन्हें हम निकाल लेंगे चाशनी में से। ये हमारी एकदम क्रिस्पी और रसीली जलेबी बनकर तैयार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।